नमस्कार, मैं आपका साथी लक्ष्मीकांत पंडित तत्काल टाइम न्यूज में आपका स्वागत कर रहा हूं। और सन 2021 के पिछले 6 दिन बिता चुके हैं, 5 दिन, और उन्हीं पुरानी समस्याओं के साथ हमने नए साल में प्रवेश करा है। कोरोना है और किसान आंदोलन आज 40वां दिन पूरा कर रहा है। 7 दौर की बातचीत हो चुकी है, सरकार खेती की कर्म नहीं हटेंगे, किसान के हटाए, इसके बावजूद 7 दौर की बातचीत में क्या निकला है ये जानने का प्रयास हम कर रहे हैं। आज हमारे साथ पुनः मौजूद है दैनिक दोपहर के संपादक नवनीत शुक्ला जी। सर, इस बातचीत में आपका स्वागत है। कहाँ जा रहा है किसान आंदोलन, उसकी परिणति क्या होगी? देखिए, अब तो किसान भी समझने लगे हैं कि सरकार शायद इस कदम से पीछे हटेगी नहीं, और अब उनकी अपनी बड़ी तैयारियां उन्होंने शुरू कर दी है। दुर्भाग्य ये हो रहा है, किसान सड़कों पर, दिल्ली के बाहर सड़कों पर मर रहे हैं और सरकार अपना राज मल्हार गाने में लगी हुई है। सरकार उस बात को समझ नहीं रही है, जिन किसानों के लिए आपने कानून बनाया है, क्या किसान उस कानून को समझना नहीं चाहते हैं, या कानून के पिछवाड़े का जितना नाटक है, रोना है, उसको समझ चुके हैं अच्छी तरह से? और इसमें जो किसान की जो जिस कानूनी विधेयक को लाया गया, उसमें जो खामियां हैं, उसको लेकर कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। भाई, किसान के लिए तो अच्छा दिख रहा है, पर अच्छा है नहीं। जी, अच्छा दिखना और अच्छा होना बड़ा फर्क होता है। जैसे एक उदाहरण बता सकता हूँ मैं कि मंडी में आपको 1% पैसा मिलता है, अगर आपको पैसा मिलता है तो ब्याज 1% मिलता है, और इसमें 8% मिलेगा। इसके बाद भी किसान इसलिए नहीं जा रहे हैं उसके अंदर, इससे क्या होगा कि 8% की लागत पे छोटे किसान तो जाएंगे, पर धीरे धीरे मंडी का काम बंद हो जाएगा। तो जो MSP की प्रक्रिया है, उसको लेकर सबसे बड़ी दिक्कत है। दूसरी एक जो मुद्दा एक बात है जिसको लेकर मुझे लगता है कि सरकार क्यों पीछे हटेगी, सरकार MSP को लेकर क्यों नहीं अध्यादेश ले आती कि भाई ठीक है, अगर किसानों का हित अगर हो रहा है और आय दुगनी हो रही है, तो उस अध्यादेश को लाने में क्या बुराई है? सरकार जिन उद्योगपतियों के दबाव में फैसला नहीं ले पा रही है, या जिन लोगों के कारण, उससे नुकसान तो देश की हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को इस अध्यादेश पर फैसला ले लेना चाहिए कि MSP को लेकर जो दूसरे राज्यों में, देश के 4 राज्यों ने तो लागू कर ही दिया है इसे, कि हम इससे कम पे हम किसानों को बिकने नहीं देंगे। दूसरी बात, एक मैं देख रहा था कल भी, कि मुझे लगा कि शायद जैसे कल प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि वो केरल में क्यों नहीं MSP, हर प्रदेश की अपनी एक अलग व्यवस्था है। केरल में जो सीताराम येचुरी ने बताया, मुझे भी लगा कि ये बात है कि केरल में सारी कैश क्रॉप है, मसाला है वहाँ पे, नारियल है वहाँ, ये सारी चीज़ें इतनी तेज़ी से नगद में बिक रही हैं कि केरल में आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं। सही बात है, जिन प्रदेशों में जरूरत है वहाँ के किसानों को इसमें शामिल किया जाना बहुत जरूरी है। खासकर छोटे किसानों की दिक्कतों को समझना पड़ेगा सरकार को, तो धीरे धीरे वैसे भी किसान जो कृषि की जो विकास दर है वो 3.5% से ज़्यादा कभी बढ़ ही नहीं पाती, बाकी सबकी 8% तक पहुँचेगी उद्योगों की। 8 लाख करोड़ के आप उद्योगों को छोड़ सकते हो, तो फिर किसानों के लिए योजना बनाकर और MSP लेके लिए लाके 2 लाख करोड़ रुपये से तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है। देश को किसानों को सक्षम बनाया जाना चाहिए, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि सरकार फिलहाल ही इस कानून को वापस ले, और मुझे लगता है एक बार फिर नए सिरे से बात करके सारे लोगों को, सबको विश्वास मिले कि इस पर फैसला लेना चाहिए जितनी। हाँ सर, इसमें छोटे छोटे 2 सवाल निकल के आते हैं, सवाल तो खैर बड़े हैं, लेकिन हम अपने बतौर पत्रकार संपादक के जागरूक नागरिक होने में आते हैं, 2 चीज़ समान व्यक्ति जा रही है। एक तो आंदोलन जो है वामपंथी है या देशद्रोही ताकतों के उसमें जा रहा है, दूसरा मध्यप्रदेश में कल कृषि मंत्री इंदौर में थे, उनका साहब मध्यप्रदेश का किसान तो बड़ा भला भला है, वो इनके चालों में नहीं आएगा, उसको समझा रहे हैं उन्हें फलानी योजना चालू करी, फलानी चालू करी है, क्या लग रहा है मध्यप्रदेश के किसान के दबाव में काम कर रहे हैं, खुलकर समर्थन दे रहे हैं? और दूसरा, क्या ये आंदोलन वही देशद्रोही ताकत में चला गया है क्या? नहीं, देखिए ऐसा है, सरकार के आज की तारीख में सरकार जिस तरीके की दिशा में चल रही है, तो उनका सबसे बड़ा एक जो परमानेंट इंतजार वो ये है कि भैया हिंदू मुस्लिम हो जाए किसी के हाथ में। आप बताइए कि कृषि मंत्री ने खुद ये कहा था कि वो जो है पंजाब के सिख लोग आने वाले, किसानों की जात और उनकी, आप इससे आकलन नहीं कर सकते, किसान की कोई जात नहीं होती, किसान किसान होता है, चाहे पंजाब में अब हरियाणा का किसान आ गया, अब महाराष्ट्र का किसान आ गया, तो क्या सब मुसलमान हो गए या दूसरी जाति के हो गए? किसानों के मामले में हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है कि उसको जाति से ऊपर बैठ कर सोचा जाना चाहिए। और MSP भी उस समय लागू हुई थी, इस समय पंजाब पूरे देश को अनाज खिलाता था, इसलिए सरकार को लगा कि भाई यहाँ मैक्सिमम अनाज खरीद के हम ही किसी गरीबों को खिला सकते हैं। आज देश बहुत सक्षम हो गया है, किसानों आज देश 4थे नंबर पर है विश्व में उत्पादन के मामले में, और हुआ तो उसका श्रेय किसानों को ही, तो अगर किसानों को ही हम नहीं खड़ा कर पाएंगे और किसान ही बर्बाद होते चले गए,
मुट्ठी भर उद्योगपति अगर इस खेल को खेलने लग जाएंगे तो भविष्य में अच्छा संकेत नहीं है। दूसरी बात मध्य प्रदेश की, तो मुझे लगता है शायद कि अभी आंदोलन केवल कुछ लिमिटेड स्थानों पर ही चल रहा है, इसलिए शायद सरकार को लग रहा होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले 5-7-10 दिनों में मध्य प्रदेश से ही किसान निकलना शुरू हो जाए। अब यह आंदोलन अगर देशव्यापी हो गया तो मध्य प्रदेश की सरकार से भी सवाल ही नहीं संभलेगा, लोग दिल्ली जाना शुरू कर देंगे। राजनीतिक दलों का इस देश में क्या होता है कि सरकार के खिलाफ तो कोई बोलने को तैयार है नहीं, और सरकार के खिलाफ जिसने भी बोला है तो यह तो देशद्रोही हो जाता है, या फिर यह है कि आप उनको कौन आवाज निकालना, इतने लोग बोलते नहीं है। पर मेरा मानना है कि एक अच्छी सरकार के लिए एक अच्छा विपक्ष होना जरूरी है, और विपक्ष की बात भी सुनना चाहिए। हमने जितना संविधान देश में बनाया, जितने कानून बनाए, उसमें हमने सबको साथ में लेकर बनाया है, किसी की सरकार नहीं है, तो बनाया जाना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में अभी हाल यही है, मुरैना वगैरह के आसपास के किसान जा भी रहे हैं। पहला किसान मध्य प्रदेश का डबरा का किसान मर ही गया है आंदोलन में था, उसका मतलब कोई लोग तो जा रहे हैं, मात्रा कम है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये संख्या बढ़ेगी। तो किसान आंदोलन पर ये थे दैनिक दुखार के संपादक नवनीत शुक्ला जी, जो कि आशा व्यक्त कर रहे हैं कि 8 तारीख को जब बैठक होगी तो शायद सरकार को निर्णय ले रहे, नहीं तो किसान आंदोलन की गति बढ़नी है और सरकार को शायद झुकना पड़ सकता है। अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ हम नवनीत जी से और बातचीत करते रहेंगे अगले अंक में।